एडी वीट ग्रास के यूट्यूब चैनल से मैं गौतम आपका फिर से एक बार स्वागत करता हूँ। आज का वीडियो है पालक के बारे में, पालक यानी कि स्पेनिच। सर्दी आ गई हैं, ये मौसम में आपको काफ़ी अच्छी अच्छी सब्जियाँ खाने को मिलती है, पालक उनमें से एक है। और जो लोग अपने आप की सब्जी ग्रो करना चाहते हैं उन्होंने ये बात जरूर सुनी होगी कि पालक एक बहुत ही आसान सब्जी है जो ग्रो करते हैं और हर एक बिगनर को ये ग्रो करनी चाहिए। तो हाँ, बिल्कुल पालक एक आसानी से ग्रो करने वाली सब्जी है। कुछ बातें हैं जो आपको ध्यान में रखनी पड़ेंगी, नहीं तो ये आसान सी जो लगने वाली सब्जी है वो भी ग्रो होने में कई बार मुश्किल लगती है। पहला तो टेम्परेचर, गर्मी में अगर आप पालक को आपने उगाने की कोशिश की होगी तो पता आपको होगा कि कितना मुश्किल है इसको गर्मी में उगाना। दूसरा, अगर आपके जो सीड हैं अगर वो अच्छी क्वालिटी के हैं तो पालक उगाना आसान है। अगर पुराने सीड यूज़ कर रहे हैं या बेकार सीड यूज़ कर रहे हैं तब भी आपकी पालक नहीं उगेगी। मिट्टी में अगर पोषक तत्वों की कमी है उस केस में भी आपकी पालक आसान होते भी उसको उगाना मुश्किल बन जाएगा। अगर आपने पालक को ऐसी जगह पर रखा हुआ है जहाँ पर इसको 4-5 घंटे से कम धूप मिलती है या ऐसी जगह पर रखा है जहाँ पर इसको दिन भर धूप मिलती है उस केस में भी आसानी से उगने वाली पालक आपकी नहीं उगेगी। अगर आप इसकी वाटरिंग की केयर ठीक से नहीं करते हैं, इसमें कम पानी देते हैं जिससे इसका मॉइस्चर सूख जाता है, मिट्टी ड्राई हो जाती है, या ज़्यादा पानी दे देते हैं कि इसकी जड़ें सड़ जाती हैं, उस केस में भी आसानी से उगने वाली जो पालक है ये आपकी नहीं उगेगी। अगर आप इन सारी बातों का ध्यान रखते हैं तो आपने जो सुना है वो बिल्कुल सही होगा कि पालक एक आसानी से उगने वाली सब्जी है, इसको आप अपने यहाँ पे जरूर उगाएं। और मेरी बात पे विश्वास कीजिए, अगर आपने अपने घर की उगाई हुई ऑर्गेनिक पालक एक बार खा ली तो बाजार में जो केमिकल से वाली पालक मिलती है वो आप कभी उसको दोबारा हाथ लगाने की हिम्मत नहीं करेंगे। तो एक बार इसको जरूर उगाइए, इसके टेस्ट को एक्सपीरियंस करके देखिए। पालक को ग्रो करने का सही तापमान है 7 से 24 डिग्री के आसपास, तो अभी सही टाइम है, आप पालक को अपने पे लगा सकते हैं। अच्छी क्वालिटी के सीड्स लीजिए। अगर आपके लोकल अवेलेबल नहीं है या आप घर बैठे सीड मंगाना चाहते हैं तो हमारी वेबसाइट से भी मंगा सकते हैं। काफ़ी अच्छी क्वांटिटी पालक के सीड्स की हम लोग मात्र 25 रुपये में दे रहे हैं। जी हाँ, मात्र 25 रुपये में काफ़ी अच्छी क्वांटिटी हम पालक के सीड्स की आपको घर बैठे भेज देते हैं। अपने एक्सपीरियंस से मैं आपको बता सकता हूँ कि अगर आपने यहाँ पे आप 10-12 गमले लगा लें पालक के तो आपको हर दूसरे तीसरे दिन इसकी सब्जी खाने को मिल जाएगी, क्योंकि ये पालक जो है इसको आप लगातार हार्वेस्ट कर सकते हैं। जब इसकी आप ऊपर की बड़ी पत्तियाँ को आप तोड़ लेते हैं तो इसकी जो नीचे वाली पत्तियाँ जो छोटी होती हैं वो बड़ी हो जाती हैं, तो इस तरह से आपको लगातार हार्वेस्ट पालक की मिलती रहती है। इस साल हम लोग पालक को अपने यहाँ जो ग्रो बैग उपलब्ध हैं उसमें ही लगा रहे हैं। ग्रो बैग को इस्तेमाल करने का सही तरीका है कि इसका बेस में आप ऐसा मटेरियल डालें जिससे कि पानी की ड्रेनेज निकलती रहे और आपका जो इसके जो होल्स हैं वो बंद हों। तो इसके लिए बेस्ट जो सूटेबल मटेरियल है वो है छोटे छोटे ग्रेवल्स होते हैं, छोटे छोटे जो पत्थर होते हैं 1/2 इंची के या उससे भी कम के, वो आप डाल सकते हैं। उसकी एक लेयर आप 1/2 इंची की डाल दीजिए तो उससे आपका जो नीचे के होल्स हैं वो मिट्टी से बंद नहीं होंगे और जो भी एक्सेस पानी होगा वो इन ग्रो बैग से निकल जाएगा। जैसा कि अभी आपने देखा होगा कि हम लोगों ने इसमें रोड़ी नहीं डाली, छोटे छोटे पत्थर नहीं डाले, हमने थोड़ी सी चीटिंग कर ली, उसकी जगह हमने कोकोपीट डाल दिया, क्योंकि ये जो पालक की फसल है वो आपके अगले 6 वीक में तैयार होकर कट जाएगी। तो उस केस में अगर थोड़ी बहुत ड्रेनेज में प्रॉब्लम भी आती है तो वो बहुत ज़्यादा बड़ी प्रॉब्लम नहीं होगी। लेकिन अगर आप ऐसा कोई प्लांट लगाते हैं जो पूरा साल चले या एक साल से ज़्यादा चलने वाले प्लांट है जैसे बैगन वगैरह, तो उस केस में नीचे आप रोड़ी या छोटे छोटे पत्थर डाल के ड्रेनेज को अच्छा बना के रखना बहुत ज़रूरी है। जैसे कि मैंने बताया, पालक आपका जल्दी से हार्वेस्ट होने वाला पौधा है तो इसकी रूट्स ज़्यादा डीप नहीं जाती, इसकी रूट्स जो है शैलो रहती हैं। तो उस केस में हम लोग कुछ मिट्टी बचा सकते हैं। हम लोग अगर इसकी मिट्टी की जो हाइट है अगर 6 से 8 इंच के बीच में रखें तभी पालक बड़े आसानी से ग्रो हो जाता है। और यहाँ पर आप देखेंगे कि जो ग्रो बैग है वो कितना सूटेबल है। आपने जितनी हाइट तक आपने मिट्टी भरी है उसके बाद आप ऊपर वाले हिस्से को फोल्ड करके नीचे कर सकते हैं जिससे कि आप उस लेवल तक पहुँचे जहाँ पर आपकी जो भी सीडलिंग स्टार्ट हो, ग्रो होनी है, जो प्लांट ग्रो हो उसको शुरू से ही प्रॉपर एयर और सनलाइट मिलती रहे। पालक को जो लगाने का तरीका हम लोग इस्तेमाल कर रहे हैं वो डेंस फार्मिंग वाला तरीका है। इस केस में हम लोग बीज को काफ़ी पास पास लगाते हैं जिससे कि आपकी जो पालक है वो उगती है, तो उसमें काफ़ी सारे प्लांट्स एक साथ उगते हैं और जो प्लांट उनमें से ज़्यादा स्ट्रांग होते हैं ऊपर की तरफ निकल जाते हैं, कुछ प्लांट जो नीचे बच जाते हैं। जब आप ऊपर वाले प्लांट को हार्वेस्ट करते हैं तो जो फिर जो नीचे वाले प्लांट है उनको जगह मिलती ऊपर बढ़ने की, तो इस तरह से कंटिन्यूसली आपका जो एक के बाद एक प्लांट ऊपर आते रहते हैं। पहले स्ट्रांगेस्ट प्लांट आपको ऊपर मिलेंगे, बाद में जो नीचे रह गए प्लांट होते हैं हार्वेस्ट होने के बाद उनको भी मौका मिलता है ऊपर आने। जैसा कि आप देख रहे हैं इस मेथड में हम लोग बीजों को काफ़ी पास पास लगा रहे हैं, अप्रॉक्सीमेटली 0.5 सेंटीमीटर का गैप रखने की हम लोग कोशिश कर रहे हैं। अगर आपको ये बीज चूंकि बहुत छोटे हैं इनको हैंडल करना मुश्किल हो रहा है तो सिंपली आप इनको कैरी में डाल दीजिए और डालने के बाद किसी टूथपिक या कोई छोटी जो लकड़ी है उसकी सहायता से उनको 0.5 सेंटीमीटर की दूरी पर आप रख लीजिए। पालक के लिए जो आप मिट्टी तैयार करते हैं उसमें अच्छी खासी मात्रा की नाइट्रोजन वाली खाद होनी चाहिए, बाकी चीज़ें कम हो तभी चल सकता है। लेकिन इसको पालक को क्योंकि इसमें पत्ते उगते हैं तो आपको नाइट्रोजन वाली खाद चाहिए।
तो हमने इसमें जो सॉयल मिक्स बनाया उसमें हमने 50% पुरानी गमले की मिट्टी ली है और करीब 50% कंपोस्ट, वर्मी कंपोस्ट और कुछ हल्की मात्रा में नीम बोन मिल डाली है। और हमारे जो बायो फर्टिलाइजर्स हैं, जो तीन नए बायो फर्टिलाइजर्स, जैसे कि बायो एनपीके फिक्सर, आपका दूसरा जो है एंटी फंगल, और जो तीसरा है रूट ग्रोथ प्रोमोटर, वो भी हमने थोड़ी थोड़ी मात्रा में डाल के इसके सॉयल मिक्स को तैयार किया है। पालक को अगर अच्छी फर्टाइल सॉइल मिलती है तो इसके ग्रोथ जो है काफ़ी अच्छी होती है, इसके लीव्स के साइज़ वगैरह और टेक्सचर वगैरह, उसमें न्यूट्रिशन काफ़ी रहता है। तो हमारी कोशिश ये रहनी चाहिए जब इसकी सॉइल को तैयार करें उसी टाइम जो हमारे पास खाद अच्छी खाद है उसी टाइम दे के इसको ज़्यादा से ज़्यादा फर्टाइल बना लें, जिससे कि हमें इसे बाद में खाद देने की जरूरत ना पड़े। लेकिन अगर एक महीने बाद अगर आपको लगे इसकी ग्रोथ ठीक नहीं है तो उससे में आप इसको अच्छी क्वालिटी की कंपोस्ट या वर्मी कंपोस्ट आप दे सकते हैं। इसके बीज को आधे सेंटीमीटर के गैप में डालने के बाद इसको आप जो क्यारी बनाई है उसको ढक लें। हम लोग इसको जो रूट ग्रोथ प्रमोटर है उसे ढकेंगे, लेकिन अगर आपके पास वो ना हो तो सिंपल आप मिट्टी से ढक सकते हैं या दूसरी कंपोस्ट से भी इसको आप ढक सकते हैं। ढकने के बाद हमारा नेक्स्ट होगा उसको अच्छी तरह से पानी देना। पहली बार हम उसको पानी देंगे जो काफ़ी अच्छी मात्रा में पानी होगा, क्योंकि हमारे जो बीज हैं उसको मॉइस्चर चाहिए जर्मिनेट होने के लिए। पालक के बीज को जर्मिनेट होने में 7 से 15 दिन लगते हैं, लेकिन अगेन ये डिपेंड करेगा आपके यहाँ पे जो टेम्परेचर वो किस तरह का है। अगर टेम्परेचर इसकी आइडियल रेंज में है तो उस केस में इसका जो जर्मिनेशन है इसी 7 से 15 दिन में होना चाहिए। अगर टेम्परेचर आइडियल नहीं होगा तो उसका टाइम जो है कम और ज़्यादा भी हो सकता है। पालक के बीज लगाने के बारे में एक इम्पॉर्टेंट बात मैं बताना भूल गया, वो ये है कि इसके बीज को आप करीब 1/2 इंच से लेकर 1 इंच तक आपको नीचे जमीन के नीचे लगाना है। तो ये थी कुछ बेसिक जानकारी आप पालक को अपने यहाँ बीज से कैसे स्टार्ट कर सकते हैं अपने घर में। आइए अब जानते हैं क्या पालक में कोई बीमारी भी लगती है। हाँ बिल्कुल सब, पालक में आपकी काफ़ी बीमारियाँ लगती हैं। इसके जो पत्ते हैं उसमें लीफ माइनर का अटैक हो सकता है, व्हाइट लाइन आप लोग देखते हैं पत्तों पे, वो लीफ माइनर होता है। मोजिक वायरस जिसमें छोटे छोटे आपके स्पॉट्स बन जाते हैं वो भी है। पाउडरी मिल्ड्यू जिसमें हल्का भुरभुरापन से आपका पत्तों पर आ जाता है, वो सारी बीमारी इसमें भी लगती है। लेकिन अगर आप पूछें इसका क्या इलाज है तो मेरे हिसाब से कोई इलाज नहीं है। सिंपल इलाज, आप उनको हटा दीजिए, क्योंकि पालक हमें डायरेक्ट पत्ते के रूप में खाना होता है तो हम इसमें कोई पेस्टिसाइड डालने की तो सोच ही नहीं सकते हैं। तो सिंपली अगर आपका कोई पौधा इन्फेक्शन में आ जाता है इस तरह की इन चीज़ों से तो उसको हटा दीजिए, नया पौधा लगा लीजिए। हाँ हम ये जरूर कर सकते हैं अच्छी मिट्टी लें जिसमें कोई बीमारी ना हो, हम अच्छे बीज लें जिसमें कोई बीमारी ना हो, और साथ में इसमें हम अच्छी क्वालिटी की खाद डालें जिससे कि इसमें पौधे की जो शक्ति बनी रहे, पौधे में इम्यूनिटी हो इन रोगों से, इन इंसेक्ट्स से, इन बीमारियों से लड़ने की। हमारे कुछ व्यूअर्स जो अभी बिगनर्स हैं गार्डनिंग में, जिन्होंने पहले कभी पालक नहीं उगाया है या इस तरह की जो सब्जियां हैं नहीं उगाई हैं, तो जानना चाहते हैं इसको हार्वेस्ट कैसे करें, या इसको एक बार हार्वेस्ट करके ये पौधा ख़त्म हो जाते हैं इसको बार बार हार्वेस्ट कर सकते हैं। तो दोनों तरीके हैं इसके, आप पौधे को पूरा बड़ा हो जाने दीजिए और करीब 6 वीक में जब आपका प्लांट पूरा तैयार हो जाएगा तो उसको आप एक बार भी हार्वेस्ट कर सकते हैं। और दूसरा हार्वेस्ट करने का तरीका है, जैसे हम लोग घर में अगर उगाते हैं हम लोग उसको डेली बेसिस पे जाके चेक कर सकते हैं, जो इसकी बड़ी पत्तियां हैं उसको काट के अलग कर लें जिससे कि इसकी जो नीचे छोटी पत्ते रहेंगे उनको मौका मिलेगा आके बड़ा होने का। इस तरह आप अपने पालक से कंटिन्यूस हार्वेस्ट ले सकते हैं, प्रोवाइडेड इसमें अगर आप फूल ना बनने दें। जो छोटे प्लांट होते हैं जिनकी लाइफ कम होती है, वो जैसे ही फूल बनाते हैं तो उनका मकसद जो होता है वो पूरा हो जाता है, उनके सीड तैयार हो जाते हैं फूल बनाने के बाद में, तो फिर वो सूख जाते हैं, मर जाते हैं। बिल्कुल ठीक उल्टा है, जैसे आपके नींबू के पौधे या आम का पौधा या बड़े जो पेड़ हैं जो हर साल फल देते हैं लेकिन फिर भी बचे रहते हैं, वो अलग प्रकार के होते हैं। लेकिन ये जो छोटे लाइफ वाले पौधे होते हैं, कुछ महीने वाले या एक साल वाले, अगर आप इनके बीज बनने देंगे, उनके बीज को पकने देंगे, जैसे करेले के केस में लें, अगर आप उसका करेले के बीज को भी आप पकने देंगे तो उस केस में भी उसकी फिर जो नए फ्रूट आने की जो कैपेसिटी होती है वो धीरे धीरे कम हो जाती है। तो छोटे लाइफ वाले पौधे में हमें ध्यान देना है कि उनके फूल जो हैं अगर हमें बनते हुए दिखते हैं तो उनको हटा देना है, उनके फूल को बनने नहीं देना है। और ये तब संभव है जब आप उसको लगातार हार्वेस्ट करेंगे तो उसके फूल जल्दी नहीं बनेंगे। तो ये था आज का वीडियो, आप अपने घर में कैसे पालक को लगा सकते हैं। इसमें आप जो भी चीज़ें देख रहे हैं जो हमने इसमें सॉइल में डाली हैं, चाहे आप इसमें जो ग्रो बैग यूज़ किया है, ये सारी चीज़ें हमारी वेबसाइट पर उपलब्ध हैं। तो आप हमारी वेबसाइट पर जाके अपने जरूरत की इन चीज़ों को खरीद सकते हैं और हमारे चैनल को सपोर्ट कर सकते हैं। अंत में मेरी मेरे व्यूअर्स से अपील, आप मेरे चैनल पे जो वीडियोस हैं उनको देखते हैं तो उनको लाइक बटन जरूर प्रेस करें। थोड़ा कम भी लाइक हो तब भी आप बड़ा दिल करके उसको लाइक का बटन प्रेस कर दिया करें, जिससे कि हमारे चैनल की ग्रोथ हो। क्योंकि अगर आप लाइक नहीं करेंगे तो हमारा चैनल जो है बिल्कुल आगे नहीं बढ़ पाएगा। तो मेरी अपील है आप लोगों से, हमारे चैनल को लाइक का बटन दबा के सपोर्ट करें। आज के इस वीडियो में इतना ही, जल्दी मिलूंगा एक नए वीडियो के साथ में इसी तरह की लाभदायक जानकारी के साथ में। तब तक मेरा और शशि का आप सबको नमस्कार।